नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। सोशल मीडिया पर चौधरी रणजीत सिंह के बारे में काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि वे इनेलो में शामिल होंगे, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह ने इनेलो में शामिल होने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए रानिया विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा। इसी दौरान चौधरी रणजीत सिंह ने एक बयान दिया कि बड़े भाई के नाते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। वहीं इनेलो के समर्थन के सवाल पर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा, समर्थन देना या न देना उनका फैसला है, चुनाव के लिए हर किसी से समर्थन मांगूंगा। वहीं रानिया से जीत का भी दावा किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबक जरूर सिखाऊंगा। कांग्रेस से टिकट करने के कारण रणजीत सिंह ने ये बयान दिया। वहीं चौधरी रणजीत सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया, कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों में बेची है टिकट, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में कांग्रेस को गलत टिकट वितरण का भुगतान भी करना पड़ेगा और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतेगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह की टिकट कट जाने के बाद में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन भरने का फैसला लिया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि कांग्रेस का वो हाल हो जाएगा जब गाँव में एजेंट तक नहीं मिलेंगे उन्हें। कांग्रेस में टिकटों की खरीद फरोख भी काफ़ी बड़े स्तर पर हुई है, क्योंकि ये बात अशोक तंवर ने खुलेआम कही। वहीं चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रणजीत सिंह ने बगावत के बाद रानिया में कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित भी किया था, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ भी उमड़ी। रानिया से मंगालिया, नानूवाला, खालिया, फतेहपुरिया होते हुए रणजीत सिंह कल सिरसा पहुंचे थे। आप देख रहे हैं पलपल रानिया से ओपी वर्मा की विशेष रिपोर्ट। मैं पैदा यहाँ हुआ, मेरे खेत यहाँ, हम मरेंगे भी है। मुझे बता तंवर का क्या लेना, मतलब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ उसका यहाँ क्या लेना है। उनकी तो दिवाली के बाद कोठी बंद हो जाएगी, कोई मिठाई का डब्बा नहीं लेके जाएगा, उनकी गाड़ी खत्म होगी। कांग्रेस का कहना नहीं चाहता मैं, जिस पार्टी में रहे उसकी गंदी बात करें। कांग्रेस में आधी से ज्यादा टिकटें पैसों से बिकी है, जिसको 50 लाख मिला 50 में बेच दी, जिसको 2 करोड़ मिला उसने 2 करोड़ ले लिया। और यही तो अशोक तंवर कह रहा है, यही मैं कह रहा हूँ, यही सहजा कह रही है, कांग्रेस की टिकटें बिकी है। जब देखेंगे घर में बन गया पैसा कमाने की कांग्रेस में, आप मेरी एक बात सुनो, कल 1962 में उन्हें कांग्रेस से बाहर करा था, और 62 में जब बाहर करा के दो लोगों तो उन्होंने कांग्रेस से बाहर जाके आजाद इलेक्शन लड़ा, वो 20,000 से जीते। और हरियाणा में उस वक्त ज्वाइंट पंजाब था, पंजाब हरियाणा हिमाचल इकट्ठा था, तो देवला मान्यता प्राप्त गुरु जी दल के नेता बने थे, सब पूछे थे। अकाली जी कह गए थे, अकाली 18 में थे, वो अकेले 26 एम एल ए बने। भाई मैं भी तो देवला का घर में, मैं भी उनका बेटा हूँ, गैरत तो हार में होती है ना, मैं कदम की कोठी तो नहीं जा सकता, मैं ये काम तो नहीं करता, मेरी इज्जत है। दूसरा का आपसे बताओ कि आप सारे बच्चे हैं, मुझे ये बताओ, मुझे निर्णय तो करना है ना, राजनीति का आप सारे बैठे हो, मुझे बताओ, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं घर बैठ जाऊं, और या मैं राजनीति करूं तो फिर तो आप लोग हैं। कांग्रेस के टिकट में 2 बार लेके आया, कई मुझे फोन करते थे कि रणजीत सिंह कांग्रेस का टिकट लिया, यहाँ तक जो थोड़ा एक तरफा इलेक्शन है, मुझे कल तक भी फोन कर रहे थे। मैं आपसे भी बताऊँ, मैं तो पहले हफ्ते में कांग्रेस टिकट ले गया था, 2 लाख लोगों ने भी 2 लाख छोड़ जाने भी, वो टिकट का भाव तो नहीं दिया आपने। मुझे कोई टिकट कांग्रेस के लिए होती, टिकट तो जनता सामने बैठी है, इसके लिए होनी चाहिए। अगर ये जनता टिकट देगी तो रणजीत सिंह सब कुछ है। मैं आपसे पहले तो एक सवाल पूछूंगा, आपको एक बात आगे कहूंगा, मुझे ये बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं तो मेरे को सामने खड़ी जनता हो गई है, रणजीत सिंह आगे बढ़ो, रणजीत सिंह आगे बढ़ो, रणजीत
आपसे खुली बात कर रहा है, मुझे आपको एक बात बताओ, यहाँ जितने आदमी बैठे हैं तो आपके गाँव में जो यहाँ इतने आदमी बैठे हैं इनमें कितने मुनीर का वोट को जाना है बता रहा हूँ, जानता है। सुनो, आप 10 साल पहले तुम मेरा इलेक्शन बढ़ाओ, तुम सारे रंजीशन बनकर गांव में दिन रात काम करते हो, एक एक गली हो उस तरीके से करो। जब नेपोलियन युद्ध कर रहा था तो नेपोलियन की सेना 10 दिन टीचर में लथ पथ भूखी उसने लड़ाई लड़े, उनके 7,000 सैनिकों ने दुनिया जीती, बट उन्हें भी जीतना था नेपोलियन ये काम कर रहा। हम सादा बढ़ाया कोई छोटे नहीं है, जो बढ़ाने सवालों में उनको सवालों का जीवन में बढ़ना है। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह अगर जाके से बड़ा हो जाए तो उनका इसकी मदद कर हरा होता है, सब होने के जाऊंगा और वहां जाके कहूंगा जो जीतने वाला होगा मेरे लिए तो मंच खुला है, किसी पार्टी के मंच पर जरूर वहां जाके कहूंगा तो इसको यहाँ से कांग्रेस में डालो, कानाड़ी में जाके कहूंगा सिर्फ पार्टी को वहां के जनादेश करा दो तो क्या होगा। आदमपुर मंडुआ में उत्तराखंड में जाके जब कुलदीप बिश्नोई और उसको चौधरीला का घर जब किसी से दुश्मनी में लड़ता है ना तो उसे जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक घर आके पड़ेगी बेटा उसको बात करते हुए। मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि अशोक तंवर आज के बाद अगर सरसा जिले में कहीं राजनीति कर ले तो रणजीत सिंह राजनीति नहीं करेगा। ये कुछ आपने कुछ भी काम नहीं करा, 1,800 आपने जिनसे पैसे ले रखे थे टिकटों में और उनके टिकट नहीं मिल रहे थे उन्हें राजी रखने के लिए वो रोज बात 1,000 आपको मिला के अब उन्हें ये कहेगा तो यार पैसा तो मैंने नहीं पर तुम्हारे लिए मैं तो सोनिया गांधी की कोठी पर भी आगे घर में बैठ गया था, वो पैसा खाने के लिए डरता था, मेरा टिकट कटाने का डर था, कुछ भी नहीं था। आग आग पकड़े होते हर आदमी आग से ये बचते हैं कि आग रणजीत सिंह है। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ जितने यहाँ बैठे हैं ऐसा नहीं जिसके पास सपोर्ट नहीं है, कई आदमी ऐसे हैं जो 1,000 वोट भी है, कई आदमी ऐसे हैं जिनके 500 है। चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, मैं जीने पाया सरपंच सरपंच में नहीं बने अच्छा अभी रवि मोगा एक मिनट आपके सामने बोलेंगे जी रवि मोगा। Thank you.
से विजयी बनाए, वो हर सुख दुख में आते आते हैं, हर सुख दुख में जाते हैं।